आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे आइडियाज जो आपको हेल्प करने वाले हैं अपने पुराने ऐसे कपड़ों को दोबारा पहनने में जो या तो बहुत टाइट हो चुके हैं या फिर उनकी जो लेंथ है वो छोटी हो चुकी है। अब ये जो आइडियाज हैं इसके लिए आपको बहुत बड़े ऑल्टरेशंस करवाने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो टेलर्स ऑल्टरेशंस करते हैं आपको किसी डिजाइनर या बुटीक पे विजिट करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आप में से बहुत से लोग कहते हो कि बुटीक ऐसा काम करते नहीं है, वो इसलिए नहीं करते बिकॉज ये ऑल्टरेशन शॉप्स के काम है, ऐसे टेलर्स के काम है जो ऑल्टरेशन करते हैं। सो इस वीडियो में बताए गए जो भी पैटर्न्स हैं वो आप ऑल्टरेशन शॉप्स पे विजिट कीजिए, इजिली वो लोग आपके लिए कर देंगे। बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपके पसंद आए तो याद से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो एज यू नो हम हर वीडियो में एक गिव अवे टारगेट देते हैं, तो इस वीडियो का टारगेट है 1500 लाइक्स और 500 कमेंट्स। कमेंट आपको किस रिगार्डिंग करना है, इस वीडियो के एंड में हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो इसी वीडियो से रिलेटेड होगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। तो पहले 500 लोगों में से एक लकी विनर को पिक करके हम अपनी टीम की तरफ से आपको एक गिफ्ट सेंड करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और ये है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। जब भी हम वेट पुट ऑन करते हैं तो हर एक इंसान के बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट एरियाज पे वेट पुट ऑन करते हैं, या आपकी थाइस पे पुट ऑन होगा, हिप्स पे होगा, स्टमक पे, वेस्ट पे, आपके बाइसेप्स के ऊपर या आपके शोल्डर्स के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एरियाज हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर कोई स्पेसिफिक इशू है टाइट होने में भी, ऐसा नहीं ओवरऑल टाइट है आपका गार्मेंट, स्पेसिफिक प्लेसेस पे है, उसे आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा आउटफिट या कुर्ता है जिसको जब आप अपने शोल्डर्स को आगे लेके आते हैं वेट पुट ऑन होने के बाद, जब आप अपने शोल्डर्स को आगे लेके आते हैं तो आपके बैक साइड पे शोल्डर्स पर अक्रॉस बैक पे स्ट्रेच हो जाता है फैब्रिक, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक डिफरेंट फैब्रिक इंसर्ट करवाना होगा। कोई भी मैचिंग प्रिंट आपको मिल जाए या प्लेन में या सेल्फ में किसी भी टाइप का फैब्रिक आपको मिल जाए या घर में कुछ पीसेस पड़े हैं तो उससे आप इस तरीके का बैक साइड पे एक योक इंसर्ट करवाइए एंड उसी को, सो दैट वो डिजाइन मैनेज्ड लगे, ऐसा नहीं लगे कि आपने जबरदस्ती कोई चीज ऐड कर दी है, एंड सो दैट एक डिफरेंट लुक भी आपके आउटफिट को मिल जाए। आप इतना उसको रीडू कर रहे हैं, व्हाई नॉट उसका स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाए, तो आप उस फैब्रिक पैच को एक्सटेंड कर दीजिए अपने स्लीव्स के ऊपर, आपके स्लीव का जो टॉप पार्ट है वहां पे ये फैब्रिक इंसर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, यूजुअली यहाँ पे इस सीम में मार्जिन्स नहीं होते, तो अगर हाफ इंच पे आपका जो गार्मेंट है वो टाइट हो गया आपको शोल्डर से तो वो डिफिकल्ट हो जाता है उसको ऑल्टर करना। लेकिन अगर आप इस तरीके से फैब्रिक इंसर्ट करेंगे तो आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी बैक को। ये आइडिया उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो थोड़ा वेट पुट ऑन हुआ है, आपका आधे इंच से या हाफ इंच एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर आपको चाहिए बैक साइड से। फ्रंट से आप जैसा है उसे एज इट इज रहने दीजिए बिकॉज वो मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया तब फ्रंट और बैक का जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा और आप इस तरीके का आइडिया नहीं यूज कर पाएंगे। लेकिन शोल्डर्स में यूजली ज्यादा बढ़ता भी नहीं है, हाफ इंच से एक इंच ही ज्यादा है, टू द मैक्स एक इंच जाएगा अगर जाएगा तो। सो मोस्ट ऑफ द केसेस जिनका बैक पे और शोल्डर पे स्ट्रेच आने लग गया आपके गार्मेंट में, आप इस आइडिया को यूज कर सकते हैं। जो लोग लॉन्ग लेंथ ब्लाउजेस पहनते हैं या चोलीज पहनते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि थोड़ा सा वेट पुट ऑन होने के बाद वो आपकी वेस्ट पे अच्छे से क्लोज नहीं हो पाता या आपके स्टमक पे अच्छे से क्लोजर उसको नहीं मिलता। यूजली वो लोग जो बेली एरिया पे वेट पुट ऑन करते हैं, आपके लिए है ये। तो आप सिर्फ आपका बस्ट के नीचे का जो हिस्सा है जहां आपकी बस्ट लाइन खत्म हो वहां से लेके जहां तक आपके चोली की लेंथ है, उस पूरे सेक्शन को जो आपको टाइट लग रहा है फ्रंट में, उसे एक वी कट आप इस तरीके से दिलवा सकते हैं, सो दैट वो स्प्रेड हो जाएगा और इजिली आपको फिट होगा। सो ये भी काफी इंचेस तक, 2-3 इंचेस भी अगर आपका साइज बढ़ चुका है वेस्ट या स्टमक एरिया से, इस तरीके का स्टाइल आपको काफी हेल्प करेगा। अगेन किसी भी ऑल्टरेशन शॉप पे वो ये चीज आपके लिए बहुत इजीली कर देंगे। अगर आपके ब्लाउजेज में, कुर्ताज में या शॉर्ट कुर्तीज में बैंड नेकलाइंस हैं, कॉलर नेकलाइंस हैं, तो हल्का सा वेट, अगर आपके शोल्डर्स थोड़े राउंडेड हो गए हैं या आपने थोड़ा सा वेट अपने अपर बॉडी में पुट ऑन किया है तो आपको काफी सफोकेटिंग लगता है इस तरीके का क्लोज्ड नेक, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, सिंपली वो दो आपको लगेगा कि काफी टाइट है, आपको यहाँ से स्ट्रेच उसका फील होगा, फ्रंट पे स्ट्रेच फील होगा, मे बी बैक पे भी स्ट्रेच फील हो, सो वो सारा स्ट्रेच आप इलिमिनेट कर सकते हैं विद अ डीपर नेकलाइन। सिंपली आप उसकी नेकलाइंस को डीप या ब्रॉड किसी भी शेप में अपने अकॉर्डिंग कट करवा लीजिए। ना सिर्फ आपका जो ब्लाउज है वो रीस्टाइल हो जाएगा बट ऑल्सो आपका वो जो अपर बॉडी में जो भी स्ट्रेच क्रिएट हो रहा था आपके गार्मेंट में वो भी इससे रिजॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए आपका जो स्ट्रेट या ए लाइन कुर्ता है वो आपको इतना ज्यादा टाइट हो चुका है कि मार्जिन्स खुलने के बाद भी, साइड के जो मार्जिन्स हैं वो खुलने के बाद भी आपको फिट नहीं हो रहा है वो, तो
या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि आप किसी और का, अपने किसी और फैमिली मेंबर का, मे बी योर मदर या सिस्टर का जो कुर्ता है उसे दोबारा पहनना चाहते हो, बिकॉज वो इंटायरली नई कंडीशन में है, लेकिन साइज इश्यूज की वजह से आप नहीं पहन पा रहे हो। तो इसमें, इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्टिचिंग करवानी पड़ेगी। ये ऑल्टरेशन शॉप्स वाले नहीं करेंगे, आपको एग्जैक्ट पूरा इंटायर गार्मेंट नया बनवाना पड़ेगा साइड से। तो एटलीस्ट नेकलाइन वैसी रह सकती है, लेकिन साइड से अगर आपको काफी टाइट हो चुका है तो आप उस फैब्रिक को कैसे रीयूज कर सकते हैं कि इसे आप एक फ्लेरी कुर्ता में कन्वर्ट कर दीजिए। इसके दोनों साइड, सेंटर में ये स्ट्रेट कुर्ता ही रहेगा, उसके दोनों साइड पे आप एक्स्ट्रा कोई भी कॉम्प्लीमेंटिंग फैब्रिक उसमें ऐड करवाइए, जो भी कपड़ा उसके साथ अच्छा लग रहा है। मे बी आपकी कोई पुरानी साड़ी का फैब्रिक ही क्यों ना हो, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, या पुराने दुपट्टा का फैब्रिक आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो जो भी सेंटर में, जो भी आप स्ट्रेट कुर्ती यूज कर रहे हो उसके साथ जो कपड़ा अच्छा लग रहा है उसे साइड में इंसर्ट करवा के इस तरीके से एक इंटायरली न्यू फ्लेरी कुर्ता बना सकते हो। अब ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कॉस्ट कंज्यूमिंग है, ये सिर्फ उन कपड़ों के लिए आप कीजिएगा जो आपके लिए या तो बहुत खास हैं, कुछ स्पेसिफिक मेमोरीज हैं और आप प्रिजर्व करना चाहते हैं, या फिर वो बहुत एक्सपेंसिव है और यू नो एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइंस है या काफी महंगी एम्ब्रॉयडरी है या फैब्रिक है। बिकॉज ऐसे जो गार्मेंट्स हैं उनको आप बार बार पहन पाएंगे, एंड ऑल्सो वो एक महंगी चीज है, उसपे और खर्च, उसको प्रिजर्व करने के लिए अगर खर्चा आप करते हो तो वो यू नो गलत जगह आपने खर्चा नहीं किया। लेकिन अगर आपने एक दो बार ही पहनना है और फैब्रिक भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है तो इस तरीके की जो रीडिजाइनिंग है वो मत करवाइएगा। अनारकली वैसे तो एक फ्लेरी गार्मेंट है, लेकिन यूजुअली जब लोग वेट पुट ऑन करते हैं तो वो चेस्ट एरिया से, बस्ट एरिया से काफी टाइट हो जाता है, एंड उस वजह से आप उसे पहन नहीं पाते हो अगर साइड पे मार्जिन खुलने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। सो हेयर इज अ लिटिल टिप फॉर यू, आपका जो अनारकली है उसका जो नेकलाइन है, जहां तक आपका योक है, योक बेसिकली ऊपर का जो फिटेड पार्ट है आपका ब्लाउज पार्ट जो होगा, नीचे फ्लेयर आ जाता है, ये ऊपर का फिटेड पार्ट है, उसमें शोल्डर से लेके जहां तक वो फिटेड पार्ट है आप एक डीप नेकलाइन स्लैश करवा दीजिए, डीप और ब्रॉड, जिससे आपको एक इनफ रूम मिले बॉडी मूवमेंट करने के लिए। अब क्योंकि वो काफी डीप और ब्रॉड हो गया है, पहनने में कंफर्टेबल नहीं होगा, आप उसके नीचे एक अच्छा सा एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक या प्रिंटेड फैब्रिक इंसर्ट करवा दीजिए, तो इस तरीके का डिजाइन वो आपको देखने में मिलेगा। आप लोग इस चीज की चिंता बिल्कुल मत करना कि कितना डीप है या ब्रॉड नेकलाइन चला जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। सिर्फ आपको बस्ट पे अच्छे से फिट हो, उतना वो स्प्रेड हो जाए, उसके बाद उसके नीचे आप सिंपली कोई भी फैब्रिक इंसर्ट करवा दीजिए। आप देख रहे हो इन इमेजेस में, वो पार्ट ऑफ द डिजाइन लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि यू नो एक पुराने कपड़े को दोबारा पहनने के लिए आपने जबरदस्ती कुछ भी ऑल्टर करवा के पैटर्न बना लिया है। सो वो डिजाइन का ही पार्ट लग रहा है, बल्कि आप उस नेकलाइन को लेसेस के साथ हाईलाइट करवा सकते हो, या फिर जहां पे वो कट खत्म हो रहा है वहां पे एक ड्रॉ स्ट्रिंग आप ऐड करवाइए, उस पर टैसल्स आप लगवा सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, चाहे आपका फ्लेरी कुर्ता है या स्ट्रेट कुर्ता है या ए लाइन कुर्ता है, किसी भी टाइप का कुर्ता जिसकी लेंथ छोटी है या फिर उसकी स्लीव्स की लेंथ छोटी है, तो आप उसे इस तरीके से एक्सटेंड करवा सकते हो। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, वो तो एक नॉर्मल आइडिया है ही, एंड इट इज वेरी प्रैक्टिकल, बहुत इजीली आप कर सकते हो कि कोई भी मैचिंग फैब्रिक लेके आप नीचे बॉर्डर्स ऐड करवा दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत कॉमन हो जाएगा तो आप बीच में एक टिश्यू का जो स्ट्रिप है उसे इंसर्ट करवा दीजिए, फ्लेयर में 4-5 इंच नीचे छोड़ के बीच में टिश्यू का स्ट्रिप आप इंसर्ट करवाइए, उससे लेंथ बढ़ जाएगी। सेम पैटर्न आप अपनी स्लीव्स के साथ कर सकते हो, फैब्रिक कोई भी हो, टिश्यू हो, ऑर्गेंजा हो, प्रिंटेड फैब्रिक हो, जो भी आपको लग रहा है कि आपके आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये भी एक ओवरऑल नया सुइंग प्रोजेक्ट ही है। अगर आपके 2-3 कुर्ताज हैं जो कि एक्सपेंसिव फैब्रिक से आपने बनवाए हैं एंड यू वांट टू रीयूज देम, दोबारा से पहनना चाहते हो, तो आप कोई भी 1-2-3 कुर्ताज को पिक कीजिए जो एक दूसरे के साथ अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप उनसे इस तरीके का एक कलर ब्लॉक्ड पैटर्न बना सकते हो। कलर ब्लॉकिंग बेसिकली कि एक ही गार्मेंट में 2-3 कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक सेक्शन ज्योमेट्रिकल शेप में एक सेक्शन क्रिएट कर देते हैं, या तो स्क्वायर पीसेज हैं, रेक्टेंगल पीसेज हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तरीके से हमने उनको प्लेस कर दिया है। तो इस तरीके के कलर ब्लॉक कुर्ताज आप अपने 2-3 कुर्ताज के फैब्रिक्स को यूज करके बनवा सकते हो। नेक्स्ट इज एसिमेट्रिकल एक्सटेंशन। अगर आपकी शॉर्ट कुर्तीज या टॉप्स की जो लेंथ है वो आपको पसंद नहीं, आपको लग रहा है काफी छोटी हो चुकी है, तो आप उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए एक डबल लेयर्ड एक्सटेंडेड बॉर्डर लगा सकते हैं। अब डबल लेयर्ड क्यों, इससे लेयरिंग का इफेक्ट क्रिएट होता है, ऐसा लगता है आपने नीचे डिफरेंट स्लिप पहनी है और उसके ऊपर से अलग टॉप पहना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका जो कुर्ता का लेंथ है, शॉर्ट कुर्ता या टॉप की जो भी लेंथ है, जहां वो खत्म हो रही है, इमिडिएटली उसके बाद से आपको स्टिच करके बॉर्डर नहीं लगाना, बल्कि उसके अंदर की साइड से आप एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच कीजिए जितने भी इंच की लेंथ आपको चाहिए।
तो अंदर की तरफ वो 2-3 इंच ऊपर जा सकता है, उसके बाद वो पूरा नीचे तक एक्सटेंड होगा। सो वो देखने में ऐसे लगेगा कि डबल लेयर चीज है, अंदर से कुछ और पहना है जिसकी लेंथ लंबी बाहर की तरफ आ रही है। सो ना सिर्फ इससे आपकी जो लेंथ है वो एक्सटेंड हो जाएगी, बट ऑल्सो आप जो नीचे की तरफ जो कपड़ा अटैच कर रहे हो लेंथ बढ़ाने के लिए, उसको एसिमेट्रिकल कट दे सकते हो, यानी कि उसका जो नीचे से हेमलाइन है, नीचे से जो शेप है उसके कट की, वो आप हाई लो रख सकते हैं, साइड से लंबी, आगे से ऊंची, जिस भी हिसाब से आपको पैटर्न पसंद हो, जिससे ना सिर्फ लेंथ बढ़ गई बल्कि आपका जो स्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगा। ये वाला जो टिप है बहुत छोटी सी टिप है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। अगर आपकी जो स्लीव्स हैं वो आपके राउंड आर्म से फ्रंट में आके टाइट हो गई हैं, आपको ब्लाउज की, कुर्ता की, किसी भी टाइप की जो स्लीव है उसे आप इस तरीके से ट्यूलिप कट दे सकते हैं, जैसे ट्यूलिप सलवार या पैंट्स में कट रहता है नीचे पेटल की तरह, वो सेम कट आप इन स्लीव्स को दे सकते हो। इस कट की वजह से वो स्प्रेड हो जाएगा और आपको कंफर्टेबली फिट हो जाएगा। आप चाहे तो इस पे पाइपिंग से हाईलाइट करवाइए या फिर एम्ब्रॉयडरी से हाईलाइट करवाइए, डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन ये एक सिंपल सा कट अगर आप ऑल्टरेशन शॉप से करवा लेंगे तो आपके जो पुराने ब्लाउजेस हैं या कुर्ताज हैं जिनको आप टाइट स्लीव्स की वजह से नहीं पहन पा रहे हो, वो इजिली ऑल्टर हो जाएंगे। सो दैट्स इट एवरीवन, आई होप यू लाइक टुडेस वीडियो। हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन ये है कि आपको कोई भी 3 टॉप फेवरेट टिप्स इसमें से निकाल के नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखने होंगे, कौन से पसंद है, क्यों पसंद है, रीजनिंग भी आप कर सकते हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स एंड वी रियली वॉन्ट टू नो कि आपके व्यूज इसके बारे में क्या है। मेक श्योर आप नीचे कॉमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।